ये जो आज हम इस सारे होटलियर सारे टूरिज्म फैसिलिटी सारे यहाँ जमा हो गए, उसमें हमारे मंत्री साहब सतीश शर्मा साहब भी आ गए, सबों ने यहाँ कंडम कर दिया। ये जो दो चार दिन पहले यहाँ हमारे टीआरसी के सामने वो एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे बच्चे उनको तकलीफ पहुंची, जख्मी हो गए, अस्पतालों में हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे चाहे उसमें जवान मर गए या कश्मीरी मर गए या हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरी। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। एक दो सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकॉनमी ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना, यहाँ कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म है, जिसमें लाखों लोगों का काम कर रहे हैं, अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं, वो हज़ारों में नहीं लाखों में है। मेहरबानी करके ये जो मसला ये करते, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू कश्मीरी, अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। वी वांट पीस ओनली, पीस में हमेशा चलना चाहे, दैट वी वांट। उसी सिलसिले में आज सब हम यहाँ आए थे, तो जिसमें एक मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने भी कंडम कर दिया और हम सारे कंडम कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, मैं मंजूर साहब को भी कह रहा हूँ, ये भी जैसे हमारे मुश्ताक साहब ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा हादसा हुआ जो रिसेंटली यहाँ टीआरसी में हुआ, इसमें हर एक इंसान कंडम करेगा। मैंने अंदर भी यही कहा कि असल देखना है कि ये रूट काज क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। मैंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा यहाँ जो ड्रग्स है उसकी तरफ तवज्जो देना है। कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हज़रत इंसान ये ऐसा हरकत नहीं करेगा, और हम सब इसके कंडम करते हैं। यहाँ टूरिज़्म पर लाखों लोग काम करते हैं, जीते हैं, और इसमें हम हर एक टूरिज़्म फर्टिलिटी का हो या होटलियर से वाबस्ता हो, हम सब इसके लिए कंडम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले हमारे कायद जनाब चाया साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो टूरिज़्म फैटनिकी की जो आवाज़ है हमारी, कंडेम कर रहे हैं इन इंसिडेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वक्ल फोकल होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे जो पीस जो पिछले बहुत से सालों से अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर रहा है, जो कोई भी इसके पीछे है और उनके क्या मकासद है इसके पीछे, हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वी आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी पूरी सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों को करप्ट करने में, ताकि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये आगे अपना सर उभार न सके। प्राइमरली सबसे पहले जो भी यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इंसानी जानों की तलाफी होती है, जख्मी हो जाते हैं, वी आर द ह्यूमंस, हमारे दिल भी मजरूह हो जाते हैं इन खबरों को जब हम सुनते हैं। इसमें हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई किस जगह से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ के अपने हैं, तो इन इंसिडेंट्स को हम पूरे तरीके से एक वॉइस में कंडम करते हैं। और गुजारिश है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को मुतहरक हो जाए, और भी ऐसे नापसंद जो हमारे अंसर हैं यहाँ पर, उनको कर्ब करने में जितना भी वो जल्दी कर सके, तो हमारी उनके साथ सपोर्ट रहेगा, हमारा भी उनके साथ। थैंक यू। मैं इसमें ऐड अप करना चाहता हूँ, ये खाली टूरिज्म की बात नहीं, एक इनोसेंट लोग थे जो रोजी रोटी कमाने संडे मार्केट में, गरीब तबका है उस पर एक अटैक है, ये एक एक कश्मीरी पे अटैक है। वी शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल एंड एवरीबॉडी ऑफ अस, और इस तह तक जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा और क्यों हो गया, वही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। रिया साहब,
मेरा एक सवाल है कि सरकार बनने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उसमें जो सीनियर